नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अंबाला छावनी में जनधन की बर्बादी को लेकर एक बार पुनः उजागर करते हुए नेलो प्रदेश प्रवक्ता ओमकार सिंह ने कहा कि जनधन की बर्बादी और विकास कार्यों में अव्यवस्था का अंबाला छावनी के विकास कार्यों से चोली दामन का साथ है। अव्यवस्था का आलम तो उस समय चरम पर हो जाता है जब पार्किंग पर ही नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिया जाए, जबकि पार्किंग के बाहर ही दर्जनों गाड़ियां सड़क पर खड़ी हैं, जिनके कारण जाम की स्थिति तो बनती ही है, साथ ही कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना भी घट सकती है। लगभग 25 करोड़ की लागत से तैयार नगर परिषद की मल्टी लेवल पार्किंग को तैयार होने के पश्चात भी आम जनता के सुपुर्द नहीं किया गया। शायद उद्घाटन का या फिर किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है ये मल्टी लेवल पार्किंग। उन्होंने कहा कि यदि किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार है तो जनहित में ये कार्य वे कर सकते हैं और किसी सूझवान व्यक्ति से शुभ मुहूर्त निकलवा कर सत्तासीन नेता को दे सकते हैं। पार्किंग का उद्घाटन अंबाला छावनी के सबसे ईमानदार और सामाजिक व्यक्ति से ही करवाया जाए। मुख्य बाजारों में डिवाइडर बनने से हर समय जाम की व्यवस्था रहती है, जिसके कारण दुकानदार और ग्राहक के साथ साथ आमजन भी परेशान है। लेकिन ये तथ्य समझ से परे है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के पश्चात और कार्य पूरा होने पर भी पार्किंग को जनता के सुपुर्द क्यों नहीं किया जा रहा। अगर कुछ कार्य बकाया रह भी गया है तो वो समय के साथ पूरा होता रहेगा, लेकिन बाजार में जाम की स्थिति को देखते हुए मल्टी लेवल पार्किंग तुरंत जनता के लिए खोल देनी चाहिए, ताकि कम से कम रेलवे रोड की जनता को जाम से निजात मिल सके। अंबाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।